दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 8 सालों के इस न्यू इंडिया में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, ये तो हम सब मानते हैं। कुछ ने इसके लिए पकौड़े बेचे, कुछ 2 रुपए के ट्रोलर बनकर थोड़ा बहुत कमा ले रहे हैं, और कुछ खास तरह के लोग हैं जो ऐसे हिंदू धर्म को बचाने के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो सनातन संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, वो परंपरा जिसे हम हिंदू जीते हैं, ऐसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि एक फिल्म के बहिष्कार के लिए माथे पर तिलक लगाकर, भगवा वस्त्र धारण करके, रथ में बैठकर, घोड़े वाले रथ में बैठकर शाहरुख खान की फिल्म के बहिष्कार का भोपू से ऐलान होगा? बंकार, बंकार, बंकार। दोस्तों शाहरुख दीपिका की फिल्म हो रही है रिलीज 25 जनवरी को। अभी तो खुद शाहरुख ने भी फिल्म का प्रमोशन ऑफिशियली शुरू नहीं किया है, फिल्म के बस 2 गाने आए हैं। लेकिन देखिए फ्री फोकट में भोंपू लिए बॉयकॉट गैंग सड़कों पर खुद ही निकल गया प्रमोशन के लिए। ज्यादा नहीं, कुछ महीने पहले के फ्लैशबैक में आ जाइए। याद कीजिए ठीक इसी तरह का भोंपू लेकर बॉयकॉट गैंग सड़कों पर उतरा था आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ। बस फर्क यह है कि वहां रथ नहीं था, वहां वो भोंपू थिएटर के बाहर लेकर बॉयकॉट वाली अपील की जा रही थी, लेकिन अपील बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी थी। लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए सब उसका बहिष्कार कीजिए। सबसे विनती कर रहा हूँ मैं, जो भी लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आया है, सबसे विनती कर रहा हूँ टिकट खरीदिए। दोस्तों हमारे जैसे लोगों के लिए ना ये सब कुछ जोक है, हम हंसते हैं इन वीडियोस पर, लेकिन ये सब इतना फनी नहीं है क्योंकि इस बॉयकॉट गैंग ने नाना करते हुए भी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। लाल सिंह चड्ढा दोस्तों मैंने भी देखी थी, नेटफ्लिक्स में देखी थी, मैंने भी देखी थी। भले फिल्म थोड़ी लंबी है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि ऐसी इस तरह से पिट जाए, इस तरह से फ्लॉप हो जाए। फिल्म अच्छी है, फिल्म कई बार आपको बहुत इमोशनल करती है, आपके दिल को छूती है, लेकिन फिल्म की इतनी अति नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, इतना बॉयकॉट बॉयकॉट हो गया कि आदमी फिर खुद ही नहीं जाता देखने, उसका मन खराब हो जाता है और इससे फिल्म को नुकसान होता है, जो कि हुआ लाल सिंह चड्ढा को। ऐसा पठान के साथ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों की भले ही समाज में अब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई हो, हमारे जैसे लोग इसको फनी भी मानते हो, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बॉयकॉट का ऐलान और उसको अपने धर्म से जोड़ देना, ये बहुत खतरनाक है, जो कि हमारे समाज को पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।